हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम साइंस पेडागॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इमेज से समझने की कोशिश भी करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन जो है वो आपके साइंस पेडागॉजी से रिलेटेड है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कक्षा में एक छात्र है जिसने कहा है कि मिट्टी में कोई नमी नहीं है, यानी ये कॉन्सेप्ट उसके माइंड में बन चुका है और वो ये सोच रहा है कि जो मिट्टी होती है उसमें कोई नमी नहीं होती। ये क्या है? एक मिसकॉन्सेप्शन है और आपको क्या करना है, इस मिसकॉन्सेप्शन को खत्म करना है, यानी उसकी जो गलत अवधारणा है उसको क्लियर करना है, समझाना है कि नहीं ऐसा नहीं होता। उसके लिए आप कौन सी एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करेंगे, ये सिंपली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि लकड़ी के तख्ते पर मिट्टी का नमूना रखना। आपने मिट्टी रख दी, एक्सप्लेन नहीं किया, बच्चा समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। सेकंड कह रहा है कि सूरज की रोशनी में सूखने से पहले और बाद में मिट्टी के नमूने के वजन की तुलना करना। ये ऑथेंटिक लग रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें बच्चा जो है वो डिफ्रेंशिएट कर पाएगा और उसके बाद सिमिलैरिटीज को भी देख पाएगा। तो अगर डिफरेंस क्रिएट कर पा रहा है बच्चा, कुछ डिफरेंस को एक्सेप्ट कर पा रहा है, फाइंड कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी रिमेडियल टीचिंग हो जाएगी, यानी रिमेडियल वर्क हो जाएगा। तो यहाँ सेकेंड तो सही लग रहा है। थर्ड कह रहा है बारिश के बाद मिट्टी के नमूने को इकट्ठा करना और जांचना। ये भी ठीक है, बट वो डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा कि सूखी मिट्टी और गीली मिट्टी में क्या अंतर होता है, नमी किसमें होती है किसमें नहीं होती है। चौथा कह रहा है एक बीकर में पानी और मिट्टी मिलाएं और इसके बाद सूरज की रोशनी में सुखाएं। तो वो तो एक मिक्सर हो गया, घोल हो गया। बच्चा कहेगा कि इसमें आपने पानी मिलाया है तो इसमें नमी आ गई है, मतलब कि ये गीला है, अगर आप पानी नहीं मिलाते तो मिट्टी गीली नहीं होती। तो इसमें भी वो डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो सबसे ज्यादा जो ऑथेंटिक ऑप्शन है वो है आपका सेकंड ऑप्शन। तो यहाँ जो सेकंड ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अवसाधन की अवधारणा को पेश करने के लिए एक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त और उद्देशात्मक सहायता है, यानी कि सेडिमेंटेशन के कॉन्सेप्ट को टीचर जो है वो बच्चों को समझाना चाहता है, तो उसके लिए कौन सा एग्जाम्पल उसे लेना चाहिए। यानी अगर आप क्लास में बच्चों को सेडिमेंटेशन का कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं तो आप इनमें से कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट करवाएंगे। पहला कह रहा है एक फिल्टर पेपर, तेल और पानी का मिश्रण, एक गिलास पानी में एक पत्थर गिराना और एक गिलास मैला पानी। सबसे पहले हम सेडिमेंटेशन समझ लेते हैं कि सेडिमेंटेशन होता क्या है। सेडिमेंटेशन बेसिकली क्या होता है कि जैसे कोई जल है या कोई भी मिक्सचर है जिसमें अशुद्धियां मिली हुई है, अशुद्धियां अगर नीचे तली में बैठ जाती हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे ये मडी वाटर है, यानी कि धूल युक्त वाटर पानी, और इसमें आप देखेंगे कि जो धूल है, जो मिट्टी के कण है वो नीचे बैठ गए हैं, ऊपर ऊपर जो है वो साफ पानी आ चुका है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? सेडिमेंटेशन। तो इसमें सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल होगा, सबसे ज्यादा एक्सरसाइज होगी वो कौन सी होगी? एक गिलास मैला पानी, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर थर्ड की बात करें तो थर्ड में कह रहा है कि प्रिया छात्रों को कंपन और ध्वनि के बीच संबंध दिखाना चाहती हैं, वाइब्रेशन और साउंड के बीच में रिलेशन क्रिएट करना चाहती है। वो सोचती है कि बच्चे जो हैं वो एक रिलेशन बिल्ड कर पाए, समझ पाए कि जो वाइब्रेशन होता है और जो साउंड होता है उनमें क्या रिलेशन है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस पाठ उद्देश्य के साथ सबसे अधिक संरेखित है, यानी इनमें से कौन सी एक्टिविटीज को उसे करना चाहिए जो सबसे ऑथेंटिक होगी। एक टेबल टैप करें और ध्वनि सुने। आप कोई टेबल बजा रहे हो और उसके बाद उससे साउंड तो रिलीज होगी, वाइब्रेशन भी होगा, लेकिन जो वाइब्रेशन होगा उसे फील करना बहुत मुश्किल है, यानी कि ये तो सही नहीं होगा। क्योंकि हम बच्चों को ऐसी चीजें सिखाएंगे जिन्हें वो आसानी से एक्सेप्ट कर पाए, अच्छे से आसानी से समझ पाए। तो यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो गलत हो जाएगा। सेकेंड कह रहा है एक लोचदार बैंड तोड़ना और कंपन देखना। कंपन तो बहुत तेजी से होगा लेकिन जो साउंड है वो साउंड बहुत कम होगी, यानी साउंड को सुनना इजिली नहीं होगा, बहुत आसानी से आप साउंड नहीं सुन पाएंगे। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। थर्ड कह रहा है पानी में कंकड़ फेंकना और उसका अवलोकन करना। बच्चों को हम कभी भी ऐसी जगह नहीं ले जाएंगे जहां उन्हें खतरा हो। पानी वाले स्थान पे ले जाने के लिए हो सकता है उनमें कुछ ना कुछ यानी खतरा होगा, फिर भी अगर जैसे कि हम एक बड़ा सा बर्तन ले लेते हैं, उसमें पानी रखते हैं और उसके बाद कंकड़ डालते हैं, तो उसमें क्या होगा? वाइब्रेशन को हम फील कर पाएंगे, साउंड तो हमें सुनाई देगी लेकिन वाइब्रेशन हम फील नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ थर्ड भी ऑथेंटिक नहीं है। फोर्थ कह रहा है बोलते समय अपने गले में कंपन महसूस करना। एकदम सही बात है, बच्चों से आप कह सकते हैं कि बच्चों आप अपनी दो उंगलियों को अपने गले पर रखिए और जब आप बात करते हैं तो फील कीजिए कि क्या आप कोई वाइब्रेशन फील कर पा रहे हो।
बच्चे ऐसा करके एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो जाएंगे और एक रिलेशन भी बिल्ड कर पाएंगे। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है यानी जो ऑथेंटिक है वो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर साउंड की बात करें, अगर क्वेश्चन आता है कि साउंड क्या है, तो हम सभी जानते हैं साउंड क्या एक प्रकार की एनर्जी है जो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, पीडीएफ आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकांश पौधे जो होते हैं निम्नलिखित रूप में मिट्टी से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, यानी जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन नहीं ले पाते, वो मिट्टी से एब्जॉर्ब करते हैं। तो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन आपके सामने और आपको बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा नाइट्रेट। अमोनिया को भी एक्सेप्ट करते हैं, नाइट्राइट को भी एक्सेप्ट करते हैं, नाइट्रेट भी लेते हैं, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रेट लेते हैं। यानी प्रायः ऑथेंटिक जो आप नॉर्मली देखेंगे तो पौधे जो है वो नाइट्रेट ज्यादा मात्रा में लेते हैं। तो नाइट्रेट नाइट्रोजन का ही एक रूप है जिसका उपयोग पौधे द्वारा वृद्धि और विकास के लिए सबसे अधिक किया जाता है। यानी प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, प्लांट्स खुद के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए मिट्टी से नाइट्रेट लेते हैं। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस घटना को पृथ्वी के घूर्णन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, यानी पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूम रही है उसकी वजह से कौन कौन सी घटनाएं होती हैं ये आपसे पूछा गया है। पहला कह रहा है कि उत्तर दक्षिण दिशा से हवा की दिशा का विचलन, यानी कि यहाँ आप देख रहे हैं नॉर्थ एंड साउथ, जो आपको हवा की और वाटर की डायरेक्शन देखने को मिलेगी वो चेंज होती है, क्लॉकवाइज चलती है। तो यही आपसे पूछा गया है कि क्या ये जो प्रक्रिया होती है ये आपकी घूर्णन की वजह से होती है, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से होती है। तो ये एकदम सही हो जाएगा। इसे कहते हैं कोरियोलिस इफेक्ट, और ये होता है कोरियोलिस फोर्स की वजह से। और यहाँ दिया भी गया है कि जो ग्लोबल हवाएं होते हैं वो सीधा उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर नहीं चलती, यानी डायरेक्ट नॉर्थ से साउथ या साउथ से साउथ, सॉरी नॉर्थ से साउथ एंड साउथ से नॉर्थ डायरेक्ट आप हवाओं को चलते हुए नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि पृथ्वी घूमती है, उत्तरी गोलार्ध में सभी हवाएं चलते समय दाईं ओर मुड़ती हैं और प्रतीत होती हैं कि, और दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं होती हैं वो बाईं ओर मुड़ती हुई प्रतीत होती हैं। ये इमेज के थ्रू आप समझ भी सकते हैं। इस इफेक्ट को कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। जो फोर्स लगता है वो कोरियोलिस फोर्स कहलाता है। यानी पहला ऑप्शन तो आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है दिन और रात का निर्माण, ये भी एकदम सही है। पृथ्वी के घूर्णन की वजह से ही दिन और रात होते हैं। जैसा कि आप यहाँ देखते हैं, जो भाग पृथ्वी पृथ्वी का जो भी भाग सूर्य के सामने होता है वहां दिन होता है। जैसे कि यहाँ सामने तो दिन होगा, लेकिन अगर यहाँ बैक साइड की बात करें तो यहाँ रात होगा, क्योंकि यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है और पृथ्वी लगातार घूमती रहती है जिसकी वजह से दिन और रात होती रहती है। तो सेकेंड भी सही है। ठीक कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स, यानी ऋतुओं का निर्माण, ये घूर्णन की वजह से नहीं होता। ग्रहणों का निर्माण यानी जो ग्रहण होते हैं सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, वो सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी के घूर्णन की वजह से होते हैं। क्या ऐसा हम कह सकते हैं? हम ऐसा नहीं कह सकते। उसमें आपका चंद्रमा भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, चंद्रमा का घूर्णन भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, यानी जो सही ऑप्शन है वो ए एंड बी ही है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर चंद्र ग्रहण की बात करें तो चंद्र ग्रहण में सूरज और पृथ्वी के बीच में जो है वो चंद्रमा आ जाता है। लेकिन अगर यही हम चंद्र ग्रहण की बात करें, ये थी सूर्य ग्रहण की कंडीशन। चंद्र ग्रहण की बात करें तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो ये कंडीशन आपकी कहलाती है, ये चंद्र ग्रहण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टेटमेंट को पढ़िए और बताइए कि कौन सा सही स्टेटमेंट होगा। अभिकरण दिया गया है कि उबला हुआ जो पानी होता है, यानी अगर पानी को आप बॉयल करके पीते हैं तो उससे हेपेटाइटिस ए के खिलाफ एक प्रभावी निवारक का के रूप में काम करेगा। यानी अगर आप एक बॉइल्ड ड्रिंक वाटर लेते हैं तो वो एक प्रिवेंटिव मेजर के रूप में काम करेगा, किसके अगेंस्ट? हेपेटाइटिस ए के अगेंस्ट। तो ये तो एकदम सही है। सेकंड कह रहा है, यानी कि जो तर्क दिया गया है उसमें ये कह रहा है कि हेपेटाइटिस ए एक जीवाणु रोग है, यानी बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है, जो मुख्य रूप से पानी के माध्यम से फैलता है। पानी के माध्यम से तो फैलता है लेकिन मुख्य रूप से अगर हम कह दें तो ये सही नहीं है, और ये एक बैक्टीरिया डिसीज नहीं है, ये आपकी एक वायरस डिसीज है, यानी वायरस के थ्रू फैलती है। इसमें सबसे ज्यादा आपका लीवर इफेक्ट होता है और ये हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होती है। यहाँ आप देख भी रहे हैं और यहाँ मेंशन भी किया गया है कि यह तब फैलता है जब कोई व्यक्ति अनजाने में सूक्ष्म मात्रा में भी
किसी संक्रमित व्यक्ति के निकट व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से या दूषित भोजन या पेय खाने के माध्यम से वायरस ग्रहण कर लेता है। यानी अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठे हैं जिसे हेपेटाइटिस ए है, तो आपको हेपेटाइटिस ए हो सकता है। अगर आपने कोई कोई व्यक्ति है जो हेपेटाइटिस ए से पीड़ित है, वो कोई सामान खा रहा है या कोई ड्रिंकिंग वाटर ले रहा है और उसका आपने पानी लेके खुद पी लिया, तो आपको भी हेपेटाइटिस ए हो सकता है, क्योंकि ये वायरस डिजीज है, वायरस के थ्रू बहुत तेजी से फैलता है। तो यहाँ जो आपका बी ऑप्शन यानी कॉज रीजन दिया गया है वो सही नहीं है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ ए सही है, आर गलत है, इस वजह से थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक जांच उन्मुख कक्षा में, जिसमें कक्षा 7 का एक शिक्षक भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की अवधारणाओं को पेश कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण बाकी चरणों से पहले होगा? आप खुद को एक टीचर मान लीजिए, आप कक्षा 7 की क्लास में गए, आप केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यानी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बच्चों को बताना है कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं और केमिकल चेंज क्या होते हैं। तो इनमें से कौन सी क्रिया आप सबसे पहले करेंगे, ये आपको सिंपली बताना है। पहला कह रहा है कि एक भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के अर्थ को परिभाषित करेंगे और समझाएंगे, यानी आपने डेफिनेशन दे दिया और उसके बाद एक्सप्लेनेशन दे दिया। पहले बता दिया कि डेफिनेशन क्या होती है केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस की और एक्सप्लेन कर दिया, तो ये तो कोई ऑथेंटिक तरीका नहीं है। हम क्या करते हैं, हम इंडक्टिव मेथड का इस्तेमाल करते हैं ना, ये तो डायरेक्ट डिडक्टिव हो गया। सेकेंड कह रहा है कि विभिन्न प्रतिवर्ती और अपरिवर्तनीय परिवर्तनों की व्याख्या करना, यानी हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम पढ़ा क्या रहे हैं, फिजिकल केमिकल चेंजेस, तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उससे रिलेटेड एक्टिविटीज बच्चों को करके दिखानी पड़ेगी, ऐसे चेंजेस दिखाने पड़ेंगे, और बच्चों को खुद भी कहना पड़ेगा कि बच्चों आप इसमें जो सिमिलैरिटीज आप देख रहे हो उन्हें आप बताइए, यानी कि क्या सिमिलैरिटी आपको इन प्रोसेसेस में देखने को मिल रही है, इन रिएक्शन में देखने को मिल रही है, वो आप हमें बताएं। इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर माइंड में एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो पाएगा। तो यहाँ सेकेंड ऑप्शन भी ऑथेंटिक नहीं है। थर्ड कह रहा है कि छात्रों को विभिन्न भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के लिए उजागर करता है और उन्हें समानता और अंतर पर प्रतिबंधित करने के लिए कहता है। सेम वही जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस बच्चों को दिखाएंगे और बच्चों से कहेंगे कि बच्चों आप इनमें क्या सिमिलैरिटी देख पा रहे हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस आप देख पा रहे हैं, उसके बिहाफ पे हम फिर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन सबसे ज्यादा ऑथेंटिक लग रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है कि टीचर क्या करेगा, एक केमिकल इक्वेशन को लिख देगा और बच्चों से कहेगा कि आप इन्हें उत्पादों की पहचान करने के लिए कहेगा, यानी कि एक केमिकल रिएक्शन लिख दिया और बच्चों से कहा कि आप पहचान करो कि इनमें कौन कौन से प्रोडक्ट इन्वॉल्व किए गए हैं, तो ये तो सही नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन सबसे ऑथेंटिक है, तो हम थर्ड ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। कह रहा है कि एक शिक्षक पाता है कि उसके कक्षा 8वीं के छात्रों को यह समझने में कठिनाई होती है कि टेबल जैसे निर्जीव वस्तुएं अन्य वस्तुओं पर बल लगा सकती हैं, यानी टीचर ये एनालाइज करता है कि जो उसके क्लास के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो भी फोर्स लगाती हैं दूसरी वस्तुओं पर। वह महसूस करती है कि इससे उन्हें सामान्य प्रतिक्रिया की अवधारणा को समझने में कठिनाई होगी। निम्नलिखित में से किस गतिविधि में अपने छात्रों को शामिल करना उन्हें इस अवधारणा को समझने में सहायक होगा, यानी इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए वो कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट कराएगी, ये सिंपली आपसे पूछा गया। पहला कह रहा है रस्सा कसी का खेल। रस्सा कसी के खेल में क्या होगा, रस्सी कोई बल लगा रही है, नहीं लगा रही है, बच्चे फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ तो ये सही नहीं होगा। जमीन पर रखे एक झरने पर दबा, सॉरी यहाँ या स्प्रिंग होगा, स्प्रिंग आपने देखा होगा जिसे हम फोर्स करते हैं तो वो उतना ही फोर्स बाहर की तरफ भी लगाती है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम जितना फोर्स हम लगा रहे हैं हम खुद ही तो आरोपित कर रहे हैं, स्प्रिंग ने खुद का तो कोई फोर्स नहीं लगाया ना, हमने जितना फोर्स आरोपित किया उतना वो बाहर निकल के आ रहा है, तो यहाँ सेकंड भी सही नहीं होगा। थर्ड कह रहा है कि एक पैन बैलेंस पर विभिन्न वस्तुओं का वजन, यानी जो तराजू होते हैं, यानी जो वेट मेजरिंग टूल होते हैं, उनमें हम विभिन्न वस्तुओं के वजन को मेजर करेंगे, कि आप यहाँ देख सकते हैं हम क्या करेंगे, डिफरेंट वस्तुओं को मेजर करेंगे, जिसका वेट ज्यादा होगा वो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। निर्जीव वस्तुएं भी हम यहाँ रख सकते हैं, सजीव भी रख सकते हैं, सजीव तो बेसिकली नहीं रख सकते, निर्जीव ही रखेंगे, तो निर्जीव वस्तुओं को अगर हम मेजर करेंगे तो जिसका ज्यादा वजन होगा वो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा और उधर का पड़ला जो है वो झुक जाएगा। यानी कि सबसे ऑथेंटिक जो है वो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, इससे बच्चे ये समझ विकसित कर पाएंगे कि हाँ जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो भी बल लगाती हैं।
एक पहिएदार कुर्सी को अपनी ओर खींचना, इस पे कुर्सी कोई बल लगा रही है? नहीं, आप खींच रहे हो ना, आप फोर्स लगा रहे हो, कुर्सी तो नहीं लगा रही, तो यहाँ फोर्थ भी सही नहीं है। तो सबसे ऑथेंटिक जो है वो थर्ड ऑप्शन है, तो थर्ड ऑप्शन के साथ हम थर्ड ऑप्शन को टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये क्या है? मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, अगर आपने पढ़ा होगा कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, तो आप आसानी से इसे बता पाएंगे। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? हमारे सबसे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो होती है लीवर। या तो यहाँ लीवर फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, थर्ड में दिया गया, यानी फर्स्ट सही होगा या तो थर्ड दिया सही होगा। फिर कह रहा है कि जो लीवर होता है वो वाई को स्रावित करता है, यानी कि वाई नामक हार्मोन्स को रिलीज करता है। तो वाई क्या करता है? पित्तरस को रिलीज करता है। यहाँ भी पित्तरस दिया गया है, ये भी पित्तरस दिया गया है, सॉरी, जो लीवर होता है वो पित्तरस को रिलीज करता है। फिर कह रहा है कि जो वाई होता है वो जड़ में संग्रहित होता है, यानी जो पित्तरस होता है वो कहाँ स्टोर होता है? पित्ताशय में स्टोर होगा। यहाँ जो होगा वो राइट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ आप देख भी रहे हैं, ये है लीवर, ये रिलीज करता है पित्तरस, यानी पित्तरस को रिलीज करता है, और पित्तरस यहाँ पित्ताशय में क्या होता है? स्टोर हो जाता है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बारिश के बाद जो अशुद्धियां होती हैं और निलंबित कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इसके लिए जिम्मेदार होगी? तो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है? जो कण होते हैं या अशुद्धियां होती हैं वो नीचे तली में बैठ जाती हैं। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी हो रहा है, तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सेडिमेंटेशन, यानी अवसादन, या फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हमने टॉप 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए हैं, सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड हैं। अगर आप ये प्लेलिस्ट पूरी देख लेते हैं तो साइंस में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसे आप ना कर पाए। एक दो क्वेश्चन अलग से अगर आपको देखने को मिलते हैं तो उसकी बात मैं नहीं करती सीटेट के एग्जाम में, लेकिन ज्यादातर आपके सभी क्वेश्चन इस सीरीज से, इस प्लेलिस्ट से कवर हो जाएंगे। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, वहां से ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां आपको ये पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी, आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा या कोई एक्सप्लेनेशन नहीं समझ आ रहा, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और ये क्लासेस आपके एग्जाम तक चलने वाली हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।